हेलो माय लवली स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल दिस इज मानसी मैं पहले ही आपको बता दूं दिस इज अ प्रीमियर रिकॉर्डेड सेशन है ये बट चैट सेशन में आप लोगों के साथ हूँ सो so, जो भी आपकी क्वेरीज है जो भी आपको पूछना है नीचे चैट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो आई बी देयर फॉर यू ऑल्सो अब हम पर्याप्त का अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपने लास्ट टेन ईयर्स के जो भी क्वेश्चन आए हैं चैप्टर नंबर वन में से वो हम डिस्कस करने वाले हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले कुछ चीजें मैं यहाँ आप पे आपको बता दूं फर्स्ट चैप्टर में जो हमें चाहिए दैट इज एक फॉर्मूला हमेशा याद करना है जब भी आपके पास दो नंबर्स है उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है उन्हीं दो नंबर्स का अगर आप एच और एल निकाल के उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है मतलब अगर आपके पास नंबर है लेट्स सपोज सिक्स और सेवन सो सिक्स इंटू सेवन इक्वल होगा सिक्स सेवन के एच सी से ठीक है क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा बहुत बारी फॉर्मला याद बस रख रहे हैं एच सी एल सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अब दूसरी प्रॉब्लम है तो बहुत इजी सा चैप्टर है ये सेकंड प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं कि मैम जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना तो उसमें समझ नहीं आता कि एच निकालना है या एल निकालना है क्वेश्चंस आते हैं आपको एलसीएम निकालना भी आता है एचसीएफ निकालना भी आता है लेकिन क्योंकि कहीं वर्ड प्रॉब्लम्स में क्लियरली नहीं होता कि भाई एचसीएफ निकालना है वो तो सिर्फ क्वेश्चन पुट करते हैं सो so, मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो कि आपको क्वेश्चन में एल निकालना है या एच निकालना है सो so, जिसमें सबसे पहली चीज़ है अगर आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं मतलब हाईएस्ट दिख रहा है कोई चीज पूछे व्हाट इज व्हाट वुड बी द हाईएस्ट नंबर इन दिस ऐसे करके पूछा है ग्रेटेस्ट लिखा है मैक्सिमम है या लार्जेस्ट है ऐसा कोई भी नंबर है सो हम हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं मतलब एच निकालते हैं इसी का ही उल्टा अगर मिनिमम लिखा है कहीं लीस्ट लिखा है लोएस्ट स्मॉलेस्ट ऐसा कुछ निकालना है सो हम एलसीएम निकालते हैं एंड अगर क्वेश्चन में वर्ड्स आ रहे हैं टुगेदर सेम टाइम साइमटेनियसली सो ये इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे तो भी आपको एलसीएम फाइंड करना है ठीक है तो ये तो एक तरीका होगा कि आप ये वर्ड्स याद कर लो वर्ड्स देख के याद आ जाएगा उसके अलावा और एक जो बेसिक से ट्रिक है जो बहुत ही इजी है याद रखना भी आप इमेजिन करोगे जो आपको नंबर्स दे रखे हैं और जो आपसे पूछा है जो आपसे पूछा गया है क्या वो एक बड़ा नंबर आएगा या वो एक छोटा नंबर आएगा जैसे एग्जाम्पल आपको दे दिया कि किसी उसमें कोई आर्मी में छः सौ बंदे है आप उनको अरेंज होना है नंबर ऑफ कॉलम्स में ठीक है अब ये ऑब्वियस बात है अगर 600 लोग नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज होंगे तो कॉलम्स कितना है सौ से तो कम ही होगा छः से ज्यादा तो नहीं हो सकता सो so, जब भी हमारा आंसर हमें लग रहा है रिजल्टिंग आंसर कम आएगा सो so, जब भी कम आएगा तो हम एच सी एफ निकालेंगे जब हम सोचेंगे कि आंसर कम आना है छोटा नंबर चाहिए सो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे और जब भी आपको लग रहा है कि आंसर बड़ा नंबर आएगा सो so, हम एल सी एम निकालेंगे आई नो सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगने वाला है ठीक है चलो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एच सी एफ ऑफ फोर्टी फोर एंड वन नाइनटी एट एस क्या होगा इन दोनों नंबर का एच सी एफ 2020 में आया था वन मार्क का क्वेश्चन सो लेट्स बिगिन 144 स्टार्ट कर लेते हैं टू से ये हो जाएगा सेवन टू अगेन देन फिर से टू से करेंगे ये हो जाएगा थ्री एंड सिक्स फिर से टू से कर लो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ये आ जाएगा 18 फिर से टू से करेंगे नाइन थ्री 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 एंड वन सेकंड नंबर क्या है वन नॉर्मल प्राइम फैक्टराइज करें सबको याद है ना एच करते हैं तो अलग अलग लेते हैं जब एल निकालते हैं तो नंबर में लेते हैं सो अगेन वन है अगेन इसको 2 से कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा टू नाइन अगेन नाइन पेगा से करेंगे वन ठीक है आप देख लो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है अच्छा एक चीज आप और कर सकते हो पॉज करने का आपके पास ऑप्शन है तो अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हो सो ऑल यू हैव टू डू इज जैसे मैंने क्वेश्चन वन लिखा जस्ट पॉज द वीडियो और पहले आप सॉल्व करो एंड देन आप आगे करके ये देख लोगे कि मैम ने कैसे इसको सॉल्व किया ठीक है डन चलो अब देख लो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसमें टू है इसमें भी टू है अब इसमें टू और तो नहीं है इसमें थ्री आ गया यहाँ पे भी एक बार थ्री है इधर एक और बार थ्री है इधर भी एक और बार थ्री है इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो क्या क्या कॉमन मिला टू कॉमन है दोनों में थ्री दो बार कॉमन है सो ये क्या हो जाएगा टू थ्रीजा सिक्स सिक्स थ्री जी एटीन सो देख लो यहाँ पे एटीन हमारा ये बी होगा ये सी होगा सो सी पार्ट है एटीन बेसिकली एटीन इज दी आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन टू से अगेन इफ यू और अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हो जस्ट पॉज दी वीडियो क्वेश्चन आपके सामने है वीडियो को पॉज करो खुद करो एंड देर आंसर चेक करना ठीक है वो परफेक्ट रहेगा चलो टू ट्वेंटी फाइव कैन बी एक्सप्रेस एज इसको हम इसमें इस तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सो वी हैव टू ट्वेंटी फाइव कलर चेंज कर लेते हैं ऑल्सो ये भी वन मार्क का क्वेश्चन है हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी में आया था सो वी हैव टू टू फाइव फाइव से आ, स्टार्ट कर लेते हैं ये हो जाएगा फाइव फोरजा ट्वेंटी और ये आ जाएगा फाइव वैसे हम उसको थ्री से भी कर सकते थे पर चलो कोई बात नहीं अगेन फाइव से करेंगे आ जाएगा नाइन अब आ जाएगा थ्री 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 एंड वन सो देखो फाइव कितनी बार आ रहा है दो बार मतलब फाइव का स्क्वायर इंटू थ्री कितनी बार आ रहा है अगेन दो बार सो so, फाइव स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर देख लो कौन सा पार्ट है फाइव स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर सी पार्ट है हमारा ओके okay, क्लियर समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मैं ना हर बार जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा थोड़ा सा पीछे हो जाऊंगी ताकि आपको बोर्ड खाली मिल सके और आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद कर सको सो क्वेश्चन थ्री से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज एक प्राइम नंबर में कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर कौन से होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं सो so, उसके फैक्टर्स कितने होते हैं नंबर जैसे टू इज अ प्राइम नंबर सो उसका एक फैक्टर हो गया वन और एक फैक्टर हो गया टू ही सेवन हमारा प्राइम नंबर है इसका एक फैक्टर वन हो गया दूसरा फैक्टर सेवन हो गया सिमिलरली थ्री प्राइम नंबर है क्या फैक्टर्स है वन और थ्री सो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं दो फैक्टर्स होते हैं ठीक है ठीके? एक वन वन हर नंबर का फैक्टर होता है एंड नंबर इट्स ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है सकते हो सो फोर्थ क्वेश्चन है चलो एल सी एम से स्टार्ट करते हैं पहले लेट्स ट्वेंटी वन फिफ्टीन सो तीनों ही मुझे थ्री के टेबल में आते दिख रहे हैं तो थ्री से स्टार्ट कर देते हैं सो वील गेट थ्री फोर झा टूवेल्व एंड थ्री सेवन थ्री फाइव टू से कर लेते हैं सो ये आ जाएगा टू सेवन फाइव टू अगेन वन सेवन फाइव एंड देन फाइव से कर लेते हैं वी हैव वन सेवन वन दैन सेवन से कर लेते हैं सो ये आ जाएगा वन 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 ठीक है आप देख लो यहाँ पे थ्री टू जिक्स सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव ज़ा या मल्टीप्लाई हम बाद में कर देंगे अभी मैं लिख देती हूँ सिर्फ थ्री इं टू टू इंटू टू इंटू फाइव इंटू में सेवन ठीक है यहाँ एल सी हम निकाल लेंगे अब यहाँ पे एच भी निकालना है हमें तो देख लो किसके क्या नंबर -क्या है ट्वेल्व ट्वेंटी वन और फिफ्टीन ठीक है एच सी ऐसे अलग अलग निकालते हैं सो so, ये हो जाएगा टू से किया ये आ गया सिक्स अगेन टू से करेंगे ये आ जाएगा थ्री थ्री से करेंगे वन ठीक है इसको थ्री से स्टार्ट करेंगे सेवन सेवन वन सो इसको भी थ्री से कर लेते हैं ये आ जाएगा फाइव फाइव वन अब जरा देखना इसमें कॉमन क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास सिर्फ थ्री कॉमन दिख रहा है थ्री इधर भी है इधर भी है इधर भी है इसके अलावा टू इसमें है बट उन दोनों में नहीं है सेवन इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है फाइव इसमें है और बाकी दोनों में नहीं है सो कॉमन क्या मिला हमें सिर्फ थ्री सो एच सी एफ तो हमारा आ गया थ्री अब इसको देख लेते हैं थ्री टू जर सिक्स सिक्स टू जर टन फाइव थर्टी फाइव सो थर्टी फाइव ट्वेल्व कर देंगे हम सो वी हैव थर्टी फाइव इं टू ट फाइव टू जर टेन या थ्री टू जर सिक्स सेवन एंड ये आ गया फाइव थ्री सो ये आ गया जीरो सेवन फाइव सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये आ गया फोर सो वी हैव फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी इज द एल सी एम एंड थ्री इज द एच सी एम देख लो कौन सा पार्ट है फोर ट्वेंटी और थ्री देख लो एक मिनट यहाँ पे हाँ कंफ्यूजन क्या हो सकती है कैसे पूछा है पहले एच सी एफ फिर एल सी एम मतलब थ्री एंड देन फोर ट्वेंटी सो देखो यहाँ पे गलत हम ये कर सकते इसको फोर ट्वेंटी और थ्री करके टिक कर सकते थे लेकिन पहले एच सी एफ तो वो थ्री एंड देन एल सी वो फोर ट्वेंटी सो ये हो गया सी पार्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप पॉज करके करो एक बार कुछ सो क्वेश्चन फाइव अगेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आया था वन मार्क का क्वेश्चन है क्वेश्चन से इज एच सी एफ ऑफ नाइन्टी टू एंड वन फिफ्टी टू सो नॉर्मल एच सी एफ निकालना है हमें नाइनटी टू एंड सेकेंड क्या है वन फिफ्टी टू टू से स्टार्ट कर लेते हैं ये आ जाएगा टू फोर जुवेल्व सिक्स पे अगेन टू से करेंगे आ जाएगा टू थ्री ट्वेंटी थ्री एक प्राइम नंबर होता है तो किसी के टेबल में नहीं आएगा सिर्फ ट्वेंटी थ्री से करना पड़ेगा वन आ गया अब 152 को करते हैं टू से स्टार्ट करते हैं ये हो जाएगा 76 अगेन टू से करेंगे ये हो जाएगा थ्री टू जे सिक्स सिक्सटीन हो जाएगा एट एंड अगेन टू से करेंगे ये आ जाएगा 19 फिर से 19 हमारा एक प्राइम नंबर होता है सो so सिर्फ वन बचेगा ठीक है अब देख लो जरा कॉमन क्या क्या है हमारे पास टू इधर भी है टू यहाँ पे भी है टू यहाँ पे भी है टू यहाँ पे भी है सो बेसिकली टू इंटू टू विच इज फोर अब देख लो यहाँ पे ऑप्शन में फोर कहाँ है ए पार्ट है सो दिस इज दी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सो क्वेश्चन सिक्स है अगेन ट्वेंटी ट्वेंटी वन का वन मार्क क्वेश्चन है एच सी एफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज

कॉमन एच मतलब हमारा एच सी एफ इसमें क्या होगा टू होगा मैं एक बार करके भी दिखा देती हूँ जैसे हमने मान लो टू और फोर लिया तो टू के फैक्टराइजेशन करोगे टू से किया वन फोर को करोगे ये आ जाएगा टू टू वन तो क्या कॉमन आया दोनों में टू कॉमन है ठीक है तो एच सी एफ टू हो गया आगे का कोई नंबर ले लो एट के बाद नेक्स्ट क्या होगा नाइन छोड़ा टेन इलेवन छोड़ा ट्वेल्व टेन और ट्वेल्व का करके देख ले थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ठीक है आप खुद भी करके देख सकते हो टू से करोगे फाइव फाइव से करोगे वन देन को करोगे टू से करोगे फिर से टू से करोगे आ जाएगा थी, थी, वन. Common क्या है अगेन कॉमन टू है ऐसे so, आप कितने भी करके देख लेना कोई बड़ा नंबर भी करके देख लेना एच सी एफ आपका टू ही आएगा सो हाइस्ट कॉमन फैक्टर इज टू ओनली ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगेन पॉज एंड खुद करके देखो सो क्वेश्चन सेवन है द एच सी एफ इंटू एल सी एम फॉर द नंबर फिफ्टी एंड ट्वेंटी इज अब क्या आप क्या दिमाग लग सकता है हमारा कि यार इस नंबर का एल सी एच सी एफ निकालते हैं इन दोनों नंबर का और इन दोनों का एल सी एम निकालते हैं एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है हमें पता है एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के सो so, अगर हमें क्वेश्चन में एल सी एम इंटू एच सी एफ का प्रोडक्ट ही पूछे तो हम डायरेक्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ये मत करना कि पहले इसका एच सी एफ निकालो देख सी एम निकालो इतना तो लंबा करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट कर सकते हो सो so, इसका प्रोडक्ट क्या होगा फाइव टू जेड टेन और साथ में दो जीरो सो टेन और साथ में दो जीरो वन थाउजेंड अब देख लो वन थाउजेंड कहां है ए पार्ट इज आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं

6 का स्क्वायर करोगे वो क्या होगा पावर फोर होगा सिक्स इन बेसिकली सिक्स वापस में आपस में मल्टीप्लाई करे सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स होता है सो so, आप यहाँ पे पावर कुछ भी रख लो Into, जब भी आप लास्ट डिजिट देखोगे तो वो सिक्स ही आएगी सिक्स रेज टू दी पावर ट्वेंटी सेवन भी कर लोगे तब भी सिक्स इंटू सिक्स ही तो ट्वेंटी सेवन बार मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट डिजिट हमारी जीरो नहीं आ सकती लास्ट डिजिट सिक्स ही रहेगी चाहे आप एन की पावर कुछ भी रख लो चीज समझ में आई सो दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल सो फॉर विच नेचुरल नंबर पूछा है तो नन होगा ठीक है आप इसमें से कुछ भी रखोगे देखो बस एक सिक्स एच टू पावर जीरो रखोगे तो वो वन आएगा बट उसमें भी हमारा लास्ट में जीरो नहीं है बाकी उसके अलावा सिक्स एच टू दावर फाइव रख लो सिक्स को फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो आपके पास लास्ट में यूनिट डिजिट आपकी सिक्स ही होगी सिक्स के एच टी बावर सिक्स रख के देख लो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है सिंपल सी बात है यार सिक्स एच टू पावर कुछ भी रखोगे यूनिट डिजिट आपकी सिक्स ही आएगी क्यों क्योंकि थर्टी सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स होता है और इसकी लास्ट डिजिट सिक्स है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगेन यू कैन पॉज और खुद करके देखो सो क्वेश्चन नंबर नाइन है द एक्सपोनेंट ऑफ फाइव इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री सेवन फाइव जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है एक्सपोनेंट बेसिकली पावर को बोलते हैं सो so, बोल रहे हैं फाइव की क्या पावर होगी ये हमसे पूछा है जीरो नहीं है पावर पूछा है रुको मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ फाइव की क्या पावर होगी अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं थ्री सेवन फाइव जीरो को प्राइम फैक्टराइज कर लो टू से स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं सो so ये आ जाएगा हमारे पास वन एंड ये बचा सेवनटीन सो टू इंटू एट इज सिक्सटीन फिफ्टीन आ जाएगा टू इंटू सेवन और ये हो गया फाइव ठीक है टू से कराया हमने अब एट नाइन सेवन सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थ्री के टेबल से हो जाएगा तो थ्री से कर लेते हैं इसको अदरवाइज आप डायरेक्ट फाइव से भी कर सकते हैं बट हम स्टार्ट करते हैं छोटे से बड़े नंबर पे तो कर सकते हो आप वो भी कुछ गलत नहीं है उसमें सो ये हो जाएगा थ्री इंटू सिक्स करेंगे एटीन आ जाएगा देन थ्री इंटू टू करेंगे सिक्स आ जाएगा फिफ्टीन आता है फाइव पे फाइव सिक्स सेवन अब ये थ्री के टेबल से नहीं होगा अब इसको फाइव से करते हैं आपको अच्छा ये पता चल रहा है ना मुझे कैसे पता चल रहा है थ्री के टेबल से नहीं होगा सिंपल रिजिट को ऐड करके देख रहे हैं आप ठीक है फाइव से करेंगे तो ये आ जाएगा से की जगह और ये आ गया अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा टेन और ये आ गया फाइव अब अगेन इसको फाइव से करोगे तो ये आ गया फाइव फाइव और ये आ गया वन अब देखो हम जब इसको लिखेंगे फाइव कितनी बार आ रहा है एक दो तीन चार बार सो तो फाइव इज टू फाइव रेज टू दावर

छोटा नंबर आएगा अब अगर स्पीड बोलिए तो स्पीड उसकी 171, 95 इतनी ज्यादा नहीं हो सकती तो यू विल गेट अ स्मॉलर नंबर नंबर जब भी एक छोटा आना होगा आंसर में हमारा सो यू वॉन्ट अ स्मॉलर नंबर तो आप एच सी एफ निकालोगे एलसीएम आपको बड़ा नंबर देता है सो so, यहाँ दोनों से आपको पता चल गया कि आपको एच सी एफ निकालना तो आप शॉर्ट शॉर्ट हो गए कि हमें एल सी एम निकालना है तो क्वेश्चन में आप तमीज से उसको बना के अच्छा ये तो वन मार्क का है

19 हमारा प्राइम नंबर है फाइव से नहीं करेंगे इसको हम 19 से करेंगे सो ये आ जाएगा वन अब 171 को थ्री से स्टार्ट कर लेते हैं सेवनटीन से छोटा क्या आता है सेवन एंड अगेन थ्री से हो जाएगा थ्री इन टू वन एस थ्री बचा ट्वेंटी सेवन अगेन नाइनटीन से होगा ये नाइनटीन प्राइम नंबर है अब देख लो इसमें हमारे पास कॉमन क्या है सिर्फ नाइनटीन कॉमन है तो मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 19, तो स्पीड क्या होगी नाइनटीन मीटर्स पर मिनट सो अभी देख लो यहाँ पे आंसर में कहा है बी पार्ट है सो दिस इज दी आंसर ठीक है यहां पे समझ में आ गया होगा एट वाली कंफ्यूजन खत्म हो रही होगी आगे और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन है मैं साइड हो जाती हूँ वीडियो को पॉज करके खुद करके देखो सो क्वेश्चन इलेवन वी हैव अगेरा वर्ड प्रॉब्लम थ्री अलार्म क्लॉक्स रिंग देर एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ ट्वेंटी मिनट ट्वेंटी फाइव मिनट एंड थर्टी मिनट रिस्पेक्टिवली सो तीन अलग अलग अलार्म क्लॉक्स है एक ट्वेंटी मिनट्स बाद बीप कर रही है एक ट्वेंटी फाइव मिनट्स बाद और एक थर्टी मिनट्स बाद तो इस तरीके से अलार्म बीप कर रहे इफ दे फर्स्ट बीप टूगेदर ऐट टूएल्व नोन एट वॉट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सो वर्ड हमें यहाँ पे पहली बार तो देख लो टूगेदर दिख गए टुगेदर से पता चल जाएगा क्या निकालना है एल सी एम निकालना है हमें ठीक है अब क्वेश्चन कम्प्लीट करते इफ़ दे फर्स्ट बीप टूगेदर एट ट्वेल्व नोन अब बारह बजे वो एक साथ उन्होंने बीप किया था तीनों अलार्म एक साथ बजे थे अब नेक्स्ट ऐसा और कौन सा टाइम आएगा जब वो फिर से एक साथ बजेंगे अब उनमें डिफरेंस वही चलेगा कि एक अलार्म बज रहा है बीस मिनट बाद एक बज रहा है वो बट बारह बजे वो तीनों एक साथ बजे ठीक है थीके? अब ये बीस मिनट बाद बजेगी ये पच्चीस और ये तीस मिनट बाद इस तरीके से वो बजेगी लेकिन अब कौन से टाइम पे वो फिर से एक साथ बजेंगे वो हमें देखना है तो क्या करना है एलसीएम निकालना है इसमें आप यहाँ पे टुगेदर वर्ड से आपको बचल जाएगा एलसीएम निकालना है अदरवाइज अगेन अब जो हमारा आंसर आएगा मिनट्स में आएगा पहले तो यही चीज समझ लेना यहाँ तक हम पहुँचेंगे बाद में बट आंसर अभी जो आएगा वो मिनट्स में आएगा कि कितने मिनट बाद वो एक साथ बीप करेगी तो जो नंबर गिवन है उससे ऑफकोर्स ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा जब भी बड़ा नंबर हमें चाहिए होता है एलसीएम तो आपने देखा आपकी दोनों ट्रिक्स से एलसीएम ही निकाला तो इसमें क्या होगा ना अगर आप किसी वर्ड में कंफ्यूजन हो या जो आप सोच रहे हो गलत है तो आपको अगर दो अलग अलग ट्रिक से कर रहे हो तो कभी भी गलत नहीं करोगे so, हो गया हमें ठीक है थर्टी है? है ना लास्ट हाँ तो फाइव से कर देते हैं सबसे पहले फाइव से करेंगे 5, थर्टी अब इसको टू से कर सकते हैं सो ये आ जाएगा टू फाइव एज इट इज और ये आ जाएगा थ्री फिर से टू से एक बार कर देंगे तो ये आ जाएगा वन फाइव थ्री एक बार थ्री से कर देंगे वैसे हमें यहाँ पे फाइव से ही करना था बट चलो कोई बात नहीं तो अब थ्री से किया है तो ये वन आ जाएगा वन आ जाएगा अब फाइव से करेंगे तो ये वन 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 आ जाएगा अब नंबर्स क्या है हमारे पास फाइव इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव एक बार देख लो फाइव टू ज टेन थ्री टू जिक्स सिक्स फाइव ज़ा थर्टी सो थर्टी इंटू टेन करो ये आ जाएगा थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड क्या आया है थ्री हंड्रेड मिनट्स आया है हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें ये नहीं बताना कितने मिनट बाद करेगा हमें ये बताना है क्या टाइम हो रहा होगा उस टाइम तो बारह बजे ही बचा था पहले तो 300 मिनट्स को हम आर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हमें पता है वन मिनट इक्वल्स टू हाउ मेनी आर्स वन अपॉन सिक्सटी आर्स है ना क्योंकि वन आर वन आर बेसिकली हमारा सिक्सटी मिनट्स का होता है सो वन मिनट हमारा वन अपॉन सिक्सटी आर का होगा सो so ये हो जाएगा थ्री हंड्रेड अपॉन में सिक्सटी जीरो से जीरो कैंसिल करो एंड इसको कैंसिल करेंगे फाइव तो हमारे पास आया फाइव आरस सो अब देखो पहला एक साथ कब बजा था बारह बजे ट्वेल्व बज रहे थे उस टाइम सो so अब पाँच घंटे बाद क्या टाइम हो रहा होगा अगर अभी बारह बज रहे हैं तो पाँच घंटे बाद पाँच बजेंगे बारह के बाद एक दो तीन चार पाँच बहुत बेसिक चीज ये तो बारह बजे के बाद पांच बजे वो फिर से एक साथ बजेंगे तो ठीक है चलो next question पे चलते हैं अगेन मैं साइड हो गई आप पॉज करके इसको कर सकते हो खुद नंबर विच वेन डिवाइड थ्री सेवन सेवन एंड वन फाइव सिक्स टू एट लीव रिमेंडर वन टू एंड थ्री रिस्पेक्टिवली सो पहली चीज हमें दिख रही है ग्रेटेस्ट वर्ड गया ग्रेटेस्ट वर्ड जहां पे होता है क्या करते हैं वी फाइन दी एच सी एफ आप क्वेश्चन में क्या बोला है एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिसको जब हम इन नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जब इससे करेंगे तो रिमाइंडर वन बचेगा उससे करेंगे टू बचेगा उससे करेंगे तो थ्री बचेगा ठीक है ये हमें बताना है तो हमें ये पता चल गया हमें एच सी एफ निकालना है अब अपनी दूसरी ट्रिक भी लगाओ जो नंबर आएगा वो इन नंबर से छोटा होगा है ना इससे बड़ा तो नहीं हो सकता इसको एक बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तब तो रिमाइंडर तो ऐसे नहीं बचेगा सो so, इससे छोटा नंबर होगा तो जब भी हमें पता है कि आंसर छोटा आएगा वी फाइंड दी एच सी एफ ये दोनों ट्रिक्स में हर क्वेश्चन में आपको लगा के दिखा रहा ठीक है अब हमें हाईएस्ट कॉमन अब चलो ये तो पता चल गया एच सी एफ निकालना है लेकिन अभी भी गलती कर सकते हैं क्या गलती कर सकते हैं कि नंबर्स उठाए और इनका एच सी एफ निकाल दिया क्वेश्चन में क्लियरली बताया गया है भाई कि जब हम इन नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर बच रहा है मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे लेकिन अगर जैसे 1, 2, 5, है इसमें से अगर मैं वन माइनस कर दो वन रिमाइंडर बच रहे वन माइनस कर दिया मैंने सो ये आ गया वन टू फाइव जीरो अब ये नंबर को वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा जो नंबर हमें निकालना है सिमिलरली नाइन थ्री सेवन सेवन में से टू माइनस कर दो इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ जैसे नाइनटीन है एंड लेट सपोज मैं इसको टू से डिवाइड कर रही हूँ ठीक है so, सो ये आ जाएगा टू इंटू नाइन हो जाएगा एटीन और रिमाइंडर बचा वन सो so, मैं कह सकती हूँ जब मैंने नाइनटीन को टू से डिवाइड किया तो वन रिमाइंडर बचा अगर मैं नाइनटीन में से वन माइनस कर दू तो ये जो नंबर आएगा ये कंप्लीटली इससे डिवाइड हो जाएगा यही सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको डिवाइड करके वन रिमाइंडर बचा वन माइनस के मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इसमें से टू माइनस कर दो नाइन थ्री सेवन सेवन था ये हो जाएगा नाइन थ्री सेवन सेवन में से टू माइनस करोगे सेवन गया सिक्स गया फाइव आ गया एंड देन वी हैव वन फाइव सिक्स टू एट इसमें से थ्री माइनस करेंगे सो ये आ जाएगा वन फाइव सिक्स टू फाइव आ जाएगा ठीक है अब ये रब कर देते हैं अब नंबर्स हमारे पास आ गए हैं इसको थोड़ा सा

कि मैम क्वेश्चन तो ईजी है ना एग्री क्वेश्चन ईजी है लेकिन ये देखो इन क्वेश्चन में टाइम लगता है आप एल सी एम एच सी एफ निकालते हो आपको केयरफुली करना है कि कोई गलती भी ना करो सो so, ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे ऐसा नहीं करना रहे ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आराम से लगे हुए हो ये ध्यान रखना कि बाकी पेपर भी पड़ा हुआ है करने वाला ठीक है सो so, ये हो जाएगा फाइव टू ज टेन फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव और जीरो देन अगेन टू से करेंगे सॉरी फाइव से करेंगे टू बोल दिया मैंने सो so, हम इसको करेंगे फाइव से सो so, ये आ जाएगा फिफ्टी अगेन फाइव से करेंगे टेन आ जाएगा अगेन फाइव से करेंगे टू आ जाएगा एंड ये आ गया टू से करा तो ये आ गया वन ठीक है अभी इसके कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे 9, 3, 7, 5. फिर से 5 से कर दे बेटा सो फाइव से करेंगे फाइव वन 5 फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फोर बचा फोर्टी थ्री एट जा फोर्टी बचा थर्टी सेवन सेवन जा थर्टी फाइव बचा ट्वेंटी फाइव सो वो आएगा फाइव पे फिर से फाइव से कर दो फाइव थ्री ज फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन थर्टी सेवन बचा सेवन से करोगे थर्टी फाइव बचा ट्वेंटी फाइव बचेगा देन एंड ये आ गया फाइव से फिर से फाइव से कर दो ये आ जाएगा सेवन फाइव से थर्टी फाइव बचा ट्वेंटी फाइव फाइव से होगा अगेन फाइव से कर दो ये आ जाएगा हमारे पास फाइव वन ज फाइव सिक्स सेवन ट्वेंटी फाइव बचा ये हो जाएगा फिफ्टीन अगेन फाइव से करोगे ये आ जाएगा थ्री थ्री से करोगे ये आ जाएगा वन ठीक है अब लास्ट देख लो क्या है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और ये बीच में आएगा इसलिए इसको यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं वन फाइव सिक्स टू फाइव अभी मेरे को लग रहा है ये आ जाएगा चलो थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं फाइव थ्री जा फिफ्टीन एंड ये हो जाएगा फाइव वन जा फाइव बचा ट्वेल्व फाइव टू जा टेन बचा तु ट्वेंटी फाइव फाइव से करा फिर से फाइव से करेंगे ये आ जाएगा सिक्स से करेंगे थर्टी ट्वेल्व टू से करेंगे ट्वेंटी फाइव फाइव से करेंगे आ गया फाइव ये आ जाएगा अगेन वन ट बच्चा हमारे पास ट्वेल्व टू से करेंगे फाइव से अगेन फाइव से करेंगे ये आ जाएगा टू एंड ये आ जाएगा फाइव अगेन फाइव से करेंगे सो हमारे पास आ गया फाइव फाइव एंड वन अब देख लो ज़रा कितने फाइव कॉमन है यहाँ पे एक फाइव है इधर भी एक फाइव इधर भी एक फाइव एक और एक और एक और ठीक है कॉमन देख रहे हैं हम यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी एक और है यहाँ पे भी एक और है यहाँ पे भी एक और है बस इतने ही कॉमन मिल रहे हैं हमें यहाँ पे फाइव दो ज़्यादा है लेकिन यहाँ और नहीं है इधर फाइव हमारे पास फाइव और थ्री है पर वो कॉमन नहीं है सो तो ये हमारे पास कॉमन है कितने एक दो तीन चार सो फाइव रेस्ट टू दी पावर फोर बेसिकली हमारा कॉमन है ठीक है so, सो वो क्या होगा देख लो आंसर कैसे देना है हमें एक्सपोनेंशियल में दिया है नहीं फाइव रेस्ट टू दी पावर फोर देख लो क्या होगा का स्क्वायर क्या होता है सिक्स ट्वेंटी फाइव सो दिस इज दी आंसर डी आ गया हमारा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप पॉज करके खुद करके देखो क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टीन है इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर अगर ए और बी ये दो को प्राइम्स हैं तो हमारा इनका क्यूब करोगे वो भी को प्राइम्स होंगे ठीक है अगर कोई नंबर है जो आपस में को प्राइम्स है तो उसका क्यूब भी को प्राइम ही होगा सो so, देख लो यहाँ पे क्या है ए पार्ट इज दी आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साइड हो जाती हूँ मैं पॉज करके खुद करके देखो

25 होता है तो मतलब 5 रेस्ट टू दी पावर एनीथिंग रखोगे तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी यूनिट डिजिट हमारी 5 ही आएगी ओके okay, समझ में आ गया ये 5, ये चीज चीज समझ में आ रही ना बेटा की पावर आप कुछ भी रखो मल्टीप्लाई फाइव ही बार बार होगा तो फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव होते हो तो, लास्ट डिजिट हमेशा फाइव रहेगी सिमिलरली सिक्स रेस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन भी अभी किया था सिक्स रेस टू दी पावर एन सिक्स की पावर कुछ भी हो सिक्स बार बार मल्टीप्लाई होगा सो सिक्स इंटू सिक्स एनीथिंग रखोगे लास्ट डिजिट आपके पास फाइव ही आएगी और सिक्स एस टू दी पावर एनीथिंग रखोगे लास्ट डिजिट सिक्स ही आएगी अब यहाँ पे कुछ भी नंबर है मान लो सिक्स टू फाइव नंबर है और यहाँ पे मान लेते हैं थ्री सिक्स सिक्स नंबर है three, six, six ठीक है एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं सिर्फ लिखना नहीं है आपको सिर्फ समझाने के लिए दे रही हूँ तो मतलब यहाँ पे हमेशा लास्ट डिजिट फाइव ही होगी यहाँ पे हमेशा लास्ट डिजिट सिक्स ही होगी तो जब हम इसको प्लस करेंगे सिक्स प्लस फाइव इलेवन होता है मतलब जो भी यहाँ पे जब भी इसको लास्ट में आप प्लस करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी उसकी यूनिट डिजिट हमेशा वन होगी क्यों ऐसा होगा बिकॉज यहाँ पे जब भी आप सिक्स प्लस फाइव करोगे तो वो इलेवन आएगा सो यहाँ पे जैसे अभी सिक्स ट्वेंटी फाइव है और हमारे पास थ्री सिक्सटी सिक्स है तो सिक्स प्लस फाइव इलेवन सो मतलब हमेशा यूनिट डिजिट वन होगी इलेवन लिख दिया मैंने यहाँ पे इलेवन आ रहे मतलब यूनिट डिजिट हमारी वन होगी ठीक है ये चीज समझ में आया फिर से एक बार बता रही हूँ और जब भी आपके पास यहाँ कुछ भी नंबर इलेवन होता है तो नीचे वन आएगा और वन कैरी में चला जाएगा तो लास्ट डिजिट हमेशा वन ही होगी सो so, हमें ये पता चल गया ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आएगा उसकी लास्ट डिजिट वन ही होगी आगे कोई भी नंबर हो सकते हैं अब जब आप इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे टू वन टू so, यहाँ पे अगर हमेशा वन ही आ रहा है तो टू वन हमेशा टू होता है तो मतलब जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा टू होगी ठीक है अगर नहीं समझ आया वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो दोबारा देखो समझ में आ जाएगा एक छोटी सी समरी फिर से दे देती हूँ मैं फाइव दी पावर एनीथिंग रखोगे लास्ट डिजिट फाइव होगी सिक्स दी पावर कुछ भी रखोगे लास्ट डिजिट सिक्स होगी सिक्स प्लस फाइव करोगे लास्ट डिजिट हमेशा वन आएगी और अंदर ब्रैकेट में अगर लास्ट डिजिट वन है उसको टू से हमेशा मल्टीप्लाई करोगे टू वन जा टू ही आएगा तो दैट मींस इसको सॉल्व करके हमेशा लास्ट डिजिट आपकी टू ही होगी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मैं साइड हो जाती हूँ आप देख लो एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन 15 है द एल ऑफ टू नंबर इज ट्वेंटी दो नंबर है जिसका एल है ट्वेंटी 400. हंड्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एच अब उन नंबर्स के इनमें से ऐसे कौन से नंबर है जो इसका एच नहीं हो सकता तो जब आप ऑप्शन देखोगे ना इसमें सिर्फ एक 500 है जो एच नहीं हो सकता क्यों क्योंकि 5 के टेबल में 24 नहीं आता ये डिविजिबल नहीं है बाकी थ्री भी हो जाएगा फोर भी हो सकता है और सिक्स भी हो सकता है इसमें से कुछ भी हो सकता है क्योंकि सबके सबके टेबल सब में 24 आता है सिर्फ 500 एक ऐसा है फाइव ऐसा है जिसके टेबल में ट्वेंटी फोर नहीं आता तो ये नहीं हो सकता सो फाइव हंड्रेड गया कि ये एच सी एफ नहीं हो सकता नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट है सिक्सटीन एच सी एफ इंटू एल सी एम फॉर द नंबर दिस सेम ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है uh, मैं करके दिखाती दिखाएँ छोटा सा ये क्योंकि एल सी एम इंटू एच सी एफ अभी नंबर्स का एल सी एम और एच सी एफ निकालने की जरूरत नहीं है एल सी एम इंटू एच सी एफ हमारा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पे क्या होगा सेवन थ्री सा ट्वेंटी वन और साथ में दो जीरो सो टू वन जीरो जीरो देख लो टू वन जीरो जीरो ठीक है अभी मैंने ये क्वेश्चन करा दिया अब इसके बाद जो है अगर रिपीट पे क्वेश्चन आएंगे तो थोड़े से वो क्वेश्चन हम अवॉइड करेंगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बस आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आया था इसलिए मैंने यहाँ पे डाले हैं बाकी अगर कोई सेम क्वेश्चन टाइप का होगा तो हम छोड़ देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है नंबर फाइव माइनस थ्री अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट फाइव इक्वल होगा किसके क्या ये जो इसका सॉल्यूशन होगा क्या वो एक इंटीजर हो सकता है रैशनल नंबर हो सकता है नंबर नंबर या होल देखो यहां पे आपको दिख रहा है आपके पास अंडर रूट वाले हैं और इसका कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं हो रहा अगर कहीं स्क्वायर हो रहा था तो हमें पता है अंडर रूट का स्क्वायर करके हमारे पास नंबर आ जाता है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है प्लस माइनस हो रहा है सो so यहाँ पे इसका रिजल्ट भी एक इेशनल नंबर ही होगा सो इट विल बी एन इेशनल नंबर नेक्स्ट चलते हैं अगेन यू कैन पॉज सो क्वेश्चन एटीन है द रेशियो ऑफ एच सी एफ टू एल सी एम ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज क्या निकालना है हमें एच सी एफ और एलसीएम का रेशियो निकालना है ठीक है अगर किसी क्वेश्चन में बोलना भूल जाओ तो आप यहाँ पे देख लेना कौन सी ईयर में आया था और कितने मार्क का आया था ये क्वेश्चन सो एच सी एम अपॉन एल सी एम निकालना है किसका निकालना है? Least composite number. सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है बेटा कॉम्पोजिट नंबर वन हमारा कॉम्पोजिट भी नहीं होता प्राइम भी नहीं होता तो, तो वन को छोड़ के ही चल चलना टू बात करेंगे इट इज अ प्राइम नंबर सो यहाँ पे लीस्ट प्राइम भी है तो लीस्ट प्राइम कौन सा हो गया अभी हमने बात करी प्राइम सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है टू उसके बाद थ्री प्राइम नंबर है फोर हमारा क्या है इट इज कॉम्पोजिट नंबर सो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर फोर होगा ठीक है क्योंकि वन ना प्राइम है ना हमारा कॉम्पोजिट है टू हमारा प्राइम है थ्री हमारा प्राइम है नेक्स्ट फोर बचा ठीक है सो ये दोनों आगे अब इसका एच सी एफ और एल सी एम निकाल लो बहुत ही ईजी है भाई अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं 2 निकालू टू से करेंगे वन टू फिर से टू से करेंगे आ गया वन वन सो टू इंटू टू फोर आ गया सो so, एल आ गया फोर और एच निकालेंगे टू को करो टू वन वन ठीक है अच्छा वन वन करने की जरूरत नहीं थी सो ये आ गया फोर टू से करेंगे टू टू वन टू टू ज अच्छा कॉमन क्या है टू और टू सो दैट मीन्स हमारा एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया टू सो so, अब देख लो एच सी एफ ऊपर रखना है टू अपॉन में एल सी एम नीचे रखना है, HCF LCM का पूछे, तो एच सी एफ ऊपर ऑप्शन है वन एस टू टू ए पार्ट है ठीक है समझ में आ गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगेन वीडियो को पॉज करके खुद करके देखो क्वेश्चन है व्हाट इज दी एच सी एफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सेम वैसा ही है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा टू होता है एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर फोर होता है तो HCF, क्या है इन दोनों नंबर का अभी हमने करा था टू है वैसे तो ये ऐसे करके दिखा दोगे इसको कर दोगे ये आ जाएगा कॉमन क्या है इसमें से टू कॉमन है सो so टू आ गया हमारा एच सी एफ ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगेन यू कैन पॉज एंड खुद करके देखो ये सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी गिवन दैट गिवन दैट इज रूट टू इज इशनल गिवन ऐसा होगा गिवन दैट रूट टू इज इेशनल प्रूफ दैट फाइव प्लस थ्री रूट टू फाइव प्लस थ्री रूट टू इज इैशनल नंबर अब यहाँ पर एक चीज़ जो आप बहुत ध्यान रखोगे इस टाइप के बहुत सारे आगे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एंड चांसेस है कि ये इस तरह का क्वेश्चन के ऐसा कुछ प्रूफ करो या रूट टू रूट थ्री रूट फाइव इनको इैशनल प्रूफ करो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं अगर आगे क्वेश्चन ये वाले रिपीट होंगे तो मैं बस आपको बता दूंगी ये कब आया था इसको ध्यान से देखना बिकॉज अब सेम क्वेश्चन बार बार नहीं करेंगे ठीक है सो फाइव प्लस थ्री रू टू को हमें इर प्रूव करना है दो मार्क्स का क्वेश्चन है ट्वेंटी एटीन में आया था स्टार्ट करते हैं हम जो हमें दे रखा होता है उसको कर लेते हैं लेट दिस बी अशनल नंबर सो हम डेट कर लेते हैं कि जो हमें गिवन है ये एक रैशनल नंबर है तो अगर ये रैशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा सो फाइव प्लस थ्री रू टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू लिख लो या ए अपॉन बी लिख लो एक ही बात है एंड साथ में हम मैंशन कर देंगे कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स ठीक है क्लियर है ये चीज अब यहां पर देख लो यहाँ पे क्या करेंगे फाइव को उधर भेज दो थ्री रूट टू इक्वल्स टू हो जाएगा फाइव अपॉन क्यू माइनस फाइव ठीक है पी अपॉन क्यू माइनस फाइव सॉरी अब यहाँ से रूट टू है पहले इसको चलो यहाँ सॉल्व कर लो ये क्यू हो जाएगा अपॉन में तो ये हो जाएगा पी माइनस यहाँ कुछ नहीं है क्यू से मल्टीप्लाई कर दो फाइव क्यू अब थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये नीचे चला जाएगा सो ये हमारे पास आ गया पी माइनस फाइव क्यू अपॉन थ्री क्यू पर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है हम सिंपल बोलेंगे कि ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है इरेशनल है ठीक है सो so, यहाँ uh, पे क्योंकि गिवन है तो हम लिख सकते हैं अगर नहीं गिवन होगा तो हम लिख देंगे सिंस वी नो दैट इज बट इसमें गिवन है तो हम लिखेंगे सिंस इट इज गिवन दैट रूट टू इज इेशनल दिस मीन्स ये जो है हमारा ये भी इ हो गया भाई अगर ये इक्वल है इसके अगर ये इैशनल नंबर है तो ये भी इैशनल नंबर होगा सो दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो इैशनल विच मीन्स आर अजम्पन जो हमने ये अज्यूम किया था वो हमारा गलत था सो so हम बोल देंगे कि दैट रॉन्ग सो वी कैन से इज एन नंबर ठीक है सिंपल है ये देखा जाए तो ज्यादा सिंपल है कंपेयर टू जब रूट टू या रूट थ्री या रूट फाइव ऐसे नंबर्स को दिया जाता है सो so ये मुझे लगता है ज्यादा बेटर और ज्यादा इजी वे है मतलब ज्यादा सिंपल होता है क्वेश्चन तो ठीक है बाकी करने प्रैक्टिस हमें दोनों ही है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे

180 वट इज दी एफ पहली बात तो देखो अगर नंबर 2x और 3x है तो इनका एच क्या हो जाएगा दिख रहा है क्या कॉमन है दोनों में x कॉमन है तो मतलब x इज दी एफ बट हम ऐसे तो नहीं लिख सकते x x से हमें वैल्यू निकालनी है कैसे निकालेंगे अगेन इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला बताया हमें एल सी एफ इन टू एच सी एफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के ठीक है यही फॉर्मूला लगा के हम फाइंड कर देंगे सो एल सी एम इंटू एच सी एफ एल सी एम कितना है वन एट्टी में एच सी एफ कितना है एक्स प्रोडक्ट क्या है नंबर का टू एक्स इन थ्री एक्स तो ये हो जाएगा थ्री टू जो सिक्स और साथ में एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वन एट्टी एक्स ठीक है जी अब इनको एक साइड पे कर लेते हैं वन एट्टी एक्स को उधर भेज देते हैं ये आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन एट्टी एक्स टू जीरो ठीक है ये समझ में आ गया आप हमें क्या करना है यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें एक्स तो कॉमन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 6 minus, अच्छा सिक्स भी तो कॉमन है साथ में तो हम यहाँ पे सिक्स एक्स कॉमन ले लिया यहाँ पे बचा हमारे पास एक्स माइनस वन एटी में से अब एक्स तो बाहर चला गया वन एटी के अलावा क्या बचेगा अगर सिक्स को डिवाइड करोगे वन एटी से तो ये आ जाएगा थर्टी इक्वल्स टू जीरो सो यहाँ से हम कह सकते हैं एक तो हमारे पास आ गया सिक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो और आ गया एक्स माइनस थर्टी इक्वल्स टू जीरो एक फैक्टर ये है एक फैक्टर ये है अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी x इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा और यहाँ से x इक्वल्स टू थर्टी आ जाएगा अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जीरो तो नहीं हो सकता तो x कैन नॉट बी जीरो देयरफॉर हमारा एच हो जाएगा थर्टी सो हमसे एच पूछा था दैट इज थर्टी ऑल्सो क्वेश्चन कब आया था ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में दो मार्क्स का क्वेश्चन था अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सो अरे आगे हो जा नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप देख लो देन विल डू इट क्वेश्चन टू प्रोडक्ट ऑफ़ द टू गिवन नंबर तो इसमें हमें एल सी एम और एच सी एफ निकालना है पहले देन उसको मल्टीप्लाई करके नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आते हैं या नहीं ये प्रूफ भी करना है तो स्टार्ट करते थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है ट्वेंटी एटीन में आया था सबसे पहले वी हैव फोर जीरो फोर और नाइन्टी सिक्स एल सी एम निकाल लेते दो ही नंबर है ना सो so, इसका एलसीएम निकालते हैं टू से स्टार्ट करते हैं ये आ जाएगा टू जीरो टू ये आ जाएगा टू इन टू फोर एट एंड सिक्सटीन आ जाएगा एट पे फिर से टू से कर देते हैं ये आ जाएगा वन जीरो वन एंड ये आ जाएगा टू फोर अब इसको हम ये वन जीरो वन तो नहीं होगा बट आगे टू से करेंगे आ जाएगा वन जीरो वन ये आ गया ट्वेल्व इसको नीचे कर लो एंड ये हमारे पास आ जाएगा अगेन टू से करते रहेंगे ये आ जाएगा सिक्स ये आ गया वन जीरो वन एज इट इज फिर से टू से करेंगे ये आ जाएगा वन जीरो वन और ये आ जाएगा थ्री अगेन आप थ्री से करना पड़ेगा ये आ जाएगा वन जीरो वन और ये आ गया हमारे पास वन आ जाएगा सॉरी मैंने थ्री लिख दिया ये आ गया वन अब देखो वन जीरो वन आप सोचते रहोगे किसके टेबल में आएगा बट किसी के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि इट इज़ अ प्राइम नंबर वन जीरो वन को हम लास्ट में वन ज़ीरो वन से ही करेंगे अब देखो एच निकालते हैं सो पहले हमें करना है 404 को 2 से स्टार्ट करेंगे 202 फिर से 2 से करेंगे वन जीरो आ जाएगा एंड अगेन 101 से करना पड़ेगा तो ये 1 आ गया नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है 96 सिक्स टू से करोगे वैसे यहाँ पे आप पूरा एज इट इज करते हो चल सकते हो आपको पता ही है सो so, ये हो जाएगा हमारा फोर से करेंगे एट आज आ गया साथ में टू से करा फिर से ये आ गया ट्वेंटी फोर फिर से टू से किया ये आ गया ट्वेल्व फिर से टू से किया सिक्स फिर से टू से करोगे थ्री थ्री से करोगे वन आ गया कॉमन देख लो इसमें क्या क्या है टू यहाँ पे दो बार है इधर भी टू दो बार है तो टू इंटू टू फोर हो गया सो हमारा एच सी एफ टू हो गया एल सी एफ हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है उसमें देख लो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो टू टू जै फोर फोर टू जो एट एन सिक्सटी टू जो थर्टी टू थर्टी टू इंटू में वन जीरो थ्री जीरो थ्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो थ्री जीरो थ्री बड़े नंबर को ऊपर लिख लो ये आ गया थर्टी टू ये हो जाएगा थ्री टू जज सिक्स टू जीरो जर जीरो थ्री टू जज सिक्स अगेन अगेन थ्री थ्री जर नाइन थ्री जीरो जो जीरो थ्री थ्री जन नाइन प्लस कर लो ये आ गया सिक्स नाइन और ये आ गया नाइन सिक्स नाइन सिक्स सो नाइन सिक्स नाइन सिक्स आ गया ये हमारा एलसीएम आया है ठीक है एलसीएम एचसीएफ आ गए अब हमें पहले यहीं पे निकाल दें एल सी एम इन टू एच सी एफ निकाल देते फिर नंबर्स का प्रोडक्ट कर देंगे एल सी एम आया है नाइन सिक्स नाइन सिक्स टू में फोर करना है हमें सो so, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं नाइन सिक्स नाइन सिक्स इन टू फोर सो ये जाएगा सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट एंड देन वी हैव सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन एंड देन वी हैव नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट सो so, ये हमारे पास आ गया थ्री एट सेवन एट फोर वी है एल सी एम इन टू एच सी एफ है अब हमें साथ में निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा नंबर्स क्या है हमारे फोर जीरो फोर इन में फोर जीरो फोर इन में क्या है नंबर नाइनटी सिक्स सो so, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं सो वी हैव फोर जीरो फोर मल्टीप्लाई कर रहे हैं नाइनटी सिक्स से बाकी एक्स्ट्रा सब रब कर देते हैं सो ये जाएगा सिक्स फोर ट्वेंटी फोर सिक्स जीरो जीरो प्लस टू कर देंगे सिक्स फोर अगेन ट्वेंटी फोर देन नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स एंड नाइन जीरो जीरो प्लस थ्री हो जाएगा देन नाइन फोर ज़ा अगेन थर्टी सिक्स तो ये आ गया फोर सिक्स सेवन एट ये आ गया फोर फाइव सिक्स सेवन एंड ये आ गया सिक्स सेवन एट और ये आ गया थ्री थ्री एट सेवन एट फोर सेम आ रहा है थ्री एट सेवन एट फोर यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि एल सी एफ इंटू एच सी इक्वल होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के सिंपल क्वेश्चन था थ्री मार्क का क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है इसमें हमें प्रूव करना है रूट टू इज इेशनल अगेन इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखे मैंने यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लिए यहाँ पे रूट टू है रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन कुछ भी प्रूव करने को आ सकता है इ प्रूव प्रूफ करना सबका तरीका सेम होता है तो so, हम स्टार्ट करेंगे लेट जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है लेट कर लेते हैं इर प्रूव प्रूफ करने है, उसको रैशनल लेट कर लेते हैं सो लेट रूट टू बी अशनल नंबर हमने बोल दिया रूट टू हमारा रैशनल नंबर so, है तो रूट टू अगर रैशनल नंबर है तो वी कैन से रूट टू इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू ठीक है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर वेर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एंड क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो ठीक है ये साथ में मेंशन हम कर देंगे आप यहां पे क्या करेंगे क्यू यहां पे डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट टू क्यू इक्वल्स टू पी अब यहां से हमें रूट टू हटाना है सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड का स्क्वायर कर दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा रूट टू क्यू का स्क्वायर क्वल टू पी का स्क्वायर सो ये आ गया हमारे पास रू टू का स्क्वायर टू एंड साथ में क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अब देखो हमारी पी स्क्वायर की वैल्यू है टू इंटू क्यू स्क्वायर इसका मतलब जो भी क्यू की वैल्यू होगी टू इंटू है तो टू हमारा हम कह सकते हैं पी से डिविजिबल है पी स्क्वायर से ठीक है तो पहली लाइन हम लिखेंगे टू इज डिविजिबल बाय पी स्क्वायर ठीक है ना क्योंकि हमने देखा ये टू इंटू समथिंग है कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे टू तो रहेगा ही so, सो टू हमारा डिविजिबल है पी स्क्वायर से और हमने एक थ्योरम करी थी जिसमें था कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है किसी नंबर के स्क्वायर से तो वो नंबर उस नंबर से भी डिविजिबल होगा मतलब अगर टू पी स्क्वायर से डिविजिबल है तो वो पी से भी डिजिबल होगा सो वी कैन राइट टू इज डिविजिबल बाई पी डायरेक्ट नहीं लिखना हमेशा पहले ये लाइन पहले लिखेंगे डिविजिबल है then पूरा लिख देना चाहे since number अगर पी स्क्वायर से डिविजिबल है तो वो पी से भी डिविजिबल होगा ठीक है यहाँ तक समझ आ गया इसको हमें यहीं पर छोड़ के अब नेक्स्ट चीज जो करनी है इसको यहाँ छोड़ देंगे नेक्स्ट चीज करेंगे नाउ लेट पी क्यू हो गया आ, आर ले, ले लेते हैं आर बी एनी इंटीजियर सो so हमने ले लिया आर कोई भी हमारा इंटीजर है सो आई केन राइट आर मेरा इक्वल होगा क्योंकि टू हमारा पी के पी uh, से डिविजिबल है सो so, ठीक है अब यहाँ पे हमने आर कोई भी रैंडम एक इंटीजर ले लिया नाउ सिंस टू मेरा डिविजिबल है पी से तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि अगर वो मेरा पी से डिविजिबल है तो आई कैन राइट इट एस टू इंटू आर अगर हम करेंगे टू इंटू आर करेंगे तो वो पी के इक्वल होगा क्योंकि हमें पता है टू हमारा पी से डिविजिबल है तो किसी भी नंबर जैसे हमने कहा था यहाँ पे क्यू स्क्वायर कुछ भी क्यू हो तो हमने वो आर ले लिया सो टू आर हमारा डिविजिबल होगा पी से तो हम इसको टू आर इक्वल्स टू पी या पी इक्वल्स टू टू आर लिख लेना एक ही बात है अब क्या करेंगे फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स सो अब जब आप दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा टू आर इस पूरे का स्क्वायर और ये आ जाएगा पी का स्क्वायर सो ये तो हो गया टू टू ज आर स्क्वायर और अब देखो पी स्क्वायर हमारा इक्वल है टू क्यू स्क्वायर के तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टू क्यू स्क्वायर अब इसको जरा ऊपर करो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा ये आ गया टू सो ये आ गया टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अब जैसे हमारा आया था कि पी स्क्वायर इक्वल है टू क्यू स्क्वा ऐसे ही अब आ गया क्यू है टू आर स्कवायर की तो यहां से मैं कह सकती हूँ भाई टू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय अब Q square से भी ये डिविजिबल है मतलब इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय क्यू लेकिन हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा था पी और क्यू को प्राइन्स है तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो इससे भी पी से भी डिविजिबल है क्यू से भी डिविजिबल है स जो हमने एज्यूम किया था जो हमारा अजम्पन था वो गलत था सो दिस क्वॉंटिटी पी और क्यू हमारे को प्राइम्स नहीं है दैट मीन्स आर अजम्पन वॉज रॉन्ग एंड देर फोर आपको लिखने का पैटर्न पूरा पता है सो दैट मीनस वॉज रॉन्ग दैट मीन्स रूट टू इज एन इेशनल नंबर ठीक है अब यहाँ पे अगर रूट थ्री आ जाता है तो टू की जगह थ्री हो जाएगा रूट फाइव आ जाएगा तो टू की जगह फाइव हो जाएगा लेकिन करने का मेथड सेम रहेगा ठीक है इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना ये वाले भी और वो जो थ्री प्लस रूट टू या सेवन माइनस रूट फाइव ये वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन

तो फाइव प्लस टू रूट थ्री इक्वल होगा पी अपॉन क्यू के यहाँ पे क्या करते हैं हम फाइव को उधर भेज दो ये हो गया टू रूट थ्री इक्वल्स टू फाइव अपॉन क्यू माइनस फाइव ये आ जाएगा क्यू एंड ये हो गया पी माइनस फाइव क्यू एंड यहाँ पे आ जाएगा रूट थ्री टू यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा यहाँ तक बस इसको करेंगे फिर लिख देंगे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ हमें पता है वी नो दैट रूट थ्री इज इ सो दैट मीन्स ये नंबर भी इैशनल हो गया मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत

एच सी एफ पहला ट्रिक यहाँ से पता चल गया दूसरा मैंने बोला था हम सोचेंगे जो, जो हमारा आंसर है वो जो नंबर है किएगा कि अब देखो कितने छ सौ बारह पीछे करना है नंबर नंबर ऑफ ऑफ कॉलम्स कॉलम्स पूछा है number of columns इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते मतलब एक छोटा नंबर आएगा जब भी छोटा नंबर आना होता है वी फाइंड ठीक है दोनों ट्रिक्स वर्क करें दोनों में हमें एच सी एफ ही निकालना है चलो फाइन करते हैं तो क्या है हमारे पास सिक्स वन टू पहले इसको कर लेंगे एंड देन 48 को कर लेंगे तो इन दोनों का एच सी एफ निकाल देंगे सो so, टू से स्टार्ट करेंगे ये हो जाएगा थ्री टू जै सिक्स देन जीरो किया ये ट्वेल्व आ जाएगा सिक्स पे फिर से टू से कर देंगे ये हमारा आ जाएगा वन वैसे हमें थ्री से स्टार्ट करना चाहिए पर चलो कोई बात नहीं ये आ गया वन टेन आ जाएगा फाइव और ये आ गया थ्री एंड देन अब थ्री से कर लेते हैं ये आ जाएगा फाइव और ये आ जाएगा वन इसको थ्री से करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा वन थ्री फोर फाइव ट्वेंटी वन आएगा सेवन पे सेवेंटीन एक प्राइम नंबर है तो इसको सेवनटीन से ही करना पड़ेगा ठीक है अब हमें करना है फोर्टी एट को टू से करेंगे ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर फिर से टू से करेंगे ट्वेल्व आ जाएगा फिर से टू से करेंगे सिक्स आ जाएगा फिर से टू से करेंगे थ्री आ जाएगा थ्री वन अब कॉमन देख लो क्या क्या है यहाँ पे दो बार टू है यहाँ से भी दो बार टू ले लो यहाँ पे एक बार इधर एक ही बार थ्री है तो एक ही कॉमन है सो so क्या क्या कॉमन है दो बार टू कॉमन है और एक बार थ्री कॉमन है सो टू टू जर फोर फोर थ्री दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे टूएल्व ठीक है मैंने तो ये फटाफट -फट आपको करके दिखाया है इन क्वेश्चन में सबसे मुश्किल चीज़ यही वाला पार्ट है कि आपको पता चल जाए एल निकालना है या एच निकालना है देन हम पूरा लिखोगे टू नो द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वी विल फाइंड दी नंबर वी विल फाइंड दी एच सी एफ देन एच सी एफ फाइंड करोगे सो सिंस द हाईस्ट कॉमन फैक्टर इज टूवेल्व दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड वुड बी वुलवेल्व ठीक है सो दिस वॉज ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पॉज कर लो पॉज मत करो वैसे रुक जाओ प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इशनल नंबर आपको पता है रूट थ्री इैशनल कैसे प्रूव करेंगे जैसे अभी रूट टू की है सेम मेथड से करना है सो तो ये क्वेश्चन अब आप खुद कर पाओगे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी सेवन बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है अच्छे खासी मार्क्स का क्वेश्चन है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आया था दो तीन चार पाँच छः सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं पहले इसको पढ़ते हैं खुशी वॉन्स टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी

बनानास नाओ एंड डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट इक्वली अमंग सब में वो इक्वल बांटना चाहते हैं सब में मतलब अगर सबको दो बनाना मिल रहा है तो सबको दो बनाना मिलेंगे अगर सबको चार बर, चार एप्पल मिल रहे हैं तो सबको चार एप्पल मिलेंगे ठीक है तो पहला है हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इन्वाइट अब वो कितने गेस्ट इन्वाइट कर सकती है देखो Again, ट्रिक वाला देखो, आपको कोई भी वर्ड ऐसा नहीं दिखा होगा जिससे आप गेस्ट कर सको लेकिन हमसे पूछा है क्या निकालना है पहले में हमें थर्टी सिक्स एप्पल है और उसके पास सिक्सटी बनाना है नंबर ऑफ गेस्ट क्या वो साठ बंदे बुला सकती है नहीं बुला सकती तो, तो मतलब नंबर ऑफ गेस्ट जो नंबर आएगा वो छोटा नंबर आएगा और जब भी छोटा नंबर आना होता है तो वी फाइन दी एच सी एफ सो यहां से आपको पता चल गया कि हमें क्या निकालना है भी आप टू फाइंड दी चलो स्टार्ट करते थर्टी सिक्स का और वी हैव निकालो सो so, थ्री से स्टार्ट कर लेते हैं ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा टू थ्री से कर दो ये आ गया फोर अब टू से कर दो ये हो जाएगा टू टू वन इसको करते हैं इसको भी थ्री से कर रही हूं मैं पहले सो so, ट्वेंटी थ्री से कर करो सॉरी टू से करेंगे अब हम सो ये टू से किया ये आ गया टेन आ गया टू फाइव फाइव और वन अब देख लो कॉमन क्या क्या है इसमें थ्री इधर भी है इधर भी है टू यहाँ पे दो बार है इधर भी टू दो बार है सो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया थ्री इंटू टू इंटू टू थ्री टू जर सिक्स सिक्स टू जर टूवेल्व सो देर फोर कितने नंबर ऑफ गेस्ट वो बुला सकती है ट्वेल्व नंबर ऑफ गेस्ट तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया टूएल्व एंड अब ध्यान से देखो इसमें हर पार्ट के अलग मार्क्स है ये पार्ट सही करोगे वन मार्क्स मिलेगा छः मार्क्स इस तरीके से डिवाइडेड है अच्छा ये छः मार्क का क्वेश्चन नहीं होगा यार दो तीन चार ये फोर मार्क का क्वेश्चन होगा इसमें और क्यों गिवन है मेरे को समझ में नहीं आ रहा आई थिंक ये और नहीं है ये इसका पार्ट ही होगा इसको मैं कट कर देती हूँ ये अगर सिक्स मार्क का क्वेश्चन है तो ये पूरा वन टू थ्री ऐसे फोर पार्ट्स में आएगा जिसमें से लास्ट पार्ट आपका टू मार्क का है ठीक है चलो वापस आ जाते हैं तो फर्स्ट पार्ट किया मतलब एक मार्क मिल गया सेकेंड पार्ट देखो क्या है हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनाना विल ईच गेस्ट गेट अब सबको कितने नंबर ऑफ एप्पल्स और कितने नंबर ऑफ बनानास मिलेंगे सो so, देखो जरा नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं नंबर ऑफ गेस्ट आए हैं 12 ठीक है एप्पल्स कितने हैं हमारे पास टोटल एप्पल्स थे 36 सो so, 36 एप्पल्स अगर आपको 12 जनों में बांटने हैं तो क्या करोगे 36 अपॉन 12 कर लोगे 36 अपॉन 12 मतलब 12 3 36 तो मतलब हर गेस्ट को थ्री एप्पल्स मिलेंगे सेम इसी तरह हमें क्या करना है बनानास का निकालना है सो so, बनानास कितने हैं हमारे पास वी हैव कितने बनानास है, 60 बनानास है 60 अपॉन 12 कर दोगे फाइव आ जाएगा सो so, मतलब हर गेस्ट को तीन एप्पल और पांच बनाना मिलने वाले हैं ठीक है डन सेकेंड पार्ट भी हो गया यही हमसे पूछा था सेकेंड पार्ट भी टिक कर दो सबको कितने थ्री एप्पल्स और पांच बनाना मिल रहे हैं नाउ इफ खुशी डिसाइडेड टू एड फोर्टी टू मैंगोज अब उसने सोचा कि भाई मैं फोर्टी टू मैंगोज और भी ऐड कर दूंगी हाउ मेनी गेस्ट खुशी कैन इन्वाइट द मोस्ट अब बताओ कितने मोस्ट वर्ड आ गया मोस्ट मतलब अगेन एच सी एफ निकालना है अब वो कह रही है <coughs> इसको उधर करते है पहले उसके पास क्या क्या था थर्टी सिक्स एप्पल थे सिक्सटी बनाना थे अब उसने फोर्टी टू लाइए ना फोर्टी टू मैंगोज भी इसमें ऐड कर दिया फोर्टी टू मैंगोज भी ऐड कर दिए अब बताओ वो कितने नंबर ऑफ गेस्ट को बुला सकती है तो अगेन हमें एच निकालना है इन तीन नंबर का जिसमें से दो नंबर्स का तो एच हम निकाल चुके हैं फोर्टी का आप निकाल देते हैं तो फोर्टी को करेंगे टू से ही आ जाएगा ट्वेंटी वन से करेंगे सेवन सेवन वन अब देखो जरा अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ ताकि मार्क करके दिखा सकूं अब देखो कॉमन क्या है यहाँ पे एक बार टू है इधर भी एक बार टू इधर भी एक बार टू यहाँ पे एक बार थ्री है इधर भी एक बार थ्री इधर भी एक बार थ्री तो अब देखो जरा क्या कॉमन आया हमारे पास सिर्फ टू इन टू थ्री थ्री टू जिक्स तो नाव अब वो कितने गेस्ट बुला सकती है नाव कैन ओनली हैव सिक्स गेस्ट कितने गेस्ट आ सकते हैं

फिफ्टीन रुपीज का है एंड वन मैंगो और एक मैंगो कितना है ट्वेंटी रुपीज का है ठीक है so, सो यहाँ पे गलती क्या हो सकती है कि आपने लिखा वन एप्पल फिफ्टीन वन मैंगो ट्वेंटी और लिख दिया वन बनाना सिक्सटी वन बनाना का प्राइस क्या है अगर ट्वेल्व बनाना सिक्सटी रुपीज के है सो हमारा वन बनाना का प्राइस क्या हो जाएगा सिक्सटी अपॉन टिच इज फाइव सो वन बनाना का प्राइस फाइव रुपीज़ है नाउ फाइन द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन बनाना अब उसने सिक्सटी बनाना लिए हैं ठीक है यार लिखते जाएंगे प्राइस यार मैं बहुत डिसऑर्गेनाइज वे में कर रही हूँ आपको ये बहुत ऑर्गेनाइज वे में करना है मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ लिए हैं एंड स्पेंड सिक्सटी बनाना थर्टी सिक्स एप्पल थर्टी सिक्स एप्पल एंड फोर्टी टू मैंगोज ठीक है banana, 36 apples, 36 apples mangoes, आप सिंपल सा बताओ सिक्सटी बनाना एक बनाना फाइव रुपीज का ही हो जाएगा सिक्सटी इन टू फाइव सिक्स फाइव थर्टी सो आ गया थ्री हंड्रेड ठीक है थर्टी सिक्स एपल्स तो क्या होगा थर्टी सिक्स इंटू एपल कितने का है फिफ्टीन का थर्टी सिक्स इंटू फिफ्टीन फोटी टू मैंगोज तो फोर्टी टू इंटू में ट्वेंटी ठीक है अभी यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं एंड देन उसको प्लस कर देंगे सो सिक्सटी इंटू फाइव थ्री हंड्रेड तो पहले से ही आ गया तो बनाना का प्राइस तो थ्री हंड्रेड का बड़ा उसको थर्टी सिक्स इंटू फिफ्टीन करके देख लेते हैं थर्टी सिक्स इंटू फिफ्टीन करो सिक्स फाइव थर्टी फाइव थ्री जी फिफ्टीन सिक्सटी एटीन एंड ये हो जाएगा सिक्स थ्री आ गया जीरो एंड एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन सो गया थ्री फोर फाइव फाइव फोर्टी ठीक है किसका प्राइस आया? का और फोर्टी टू सो इसको तो ऐसे ही कर लो टू टू जै फोर फोर टू जो एट और साथ में जीरो मैंगोज कितने के आए एट फोर्टी के प्लस कर दो ये आ गया जीरो टोटल कॉस्ट पूछे ना तो तीनों का प्लस कर दिया फोर फोर एट आ गया देन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सो गया वन सिक्स एट जीरो मतलब टोटल कितने पैसे उसको खर्च करने पड़ेंगे वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी सो दिस वॉज दी लास्ट पार्ट सारे पार्ट सही करोगे सो लास्ट पार्ट है हमारा टू मार्क्स का बाकी सारे वन वन मार्क के थे ठीक है सो ये हाई वेटेज का क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था सिंपल मतलब समझ आ जाएगा तो आपको ईजी ही लगेगा चलो आगे बढ़ जाते हैं आगे वैसे बढ़ने के लिए कुछ है नहीं दिस वॉज दी लास्ट क्वेश्चन सो आई होप आपकी इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी और आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे थे तो अभी आपने पिछले दस साल के जो भी क्वेश्चन आए हैं सिर्फ जो आपका सिलेबस रिट्यूज हुआ है वो क्वेश्चन मैंने हटा दिया बाकी सभी क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली है सो आई होप आप कह सकोगे कि यार ये चैप्टर अच्छे से हो गया है आप बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे बट इन दी नेक्स्ट वीडियो सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय गाइस